मोहतरम जनरल सैद आसम मुनर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेयरमैन एच ई सी वाइस चांसलर्स क़राम और पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई होनहार तलबातलब वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वजारा मेहमाना ने ग्रामी ख़वात वजारत अकम्म चंद गुज़ारशात आपकी खदमत में करना चाहूँगा सबसे पहले मैं इस यूथ कन्वेंशन में कौम के इतहाई काबिल नौजवान बेटे और बेटियों को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और अभी चंद रोज़ पहले हमने योम आज़ादी इंतहाई जोश व ख़रोश से मनाया और उन खुशियों में एक और बहुत बड़ी ख़ुशी का इजाफ़ा हुआ कि 40 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता और कौमी हीरो अरशद नदीम ने इन ख़ुशियों को दुबाला किया मैं समझता हूं कि यह है वो सबक अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी बहुत जिंदगी में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया मगर जस्त और हिम्मत के साथ अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर ये साबित किया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना हों अगर कौमें यह फैसला कर लें कि हमने हार नहीं माननी मुश्किल का दीवानावार मुकाबला करना है तो यकीन जानिए जिस तरह हजरत कायद आजम की अजीम क़्यादत में लाखों मुसलमानों करोड़ों मुसलमानों की जदोजहद और कुर्बानियों से जिस तरह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था मैं समझता हूं कि अगर हम इसी मामले को मंज़रनामे को सामने रख लें तो यकीन करें कि न सिर्फ हमारी माजी की कोताहियां खत्म हो जाएंगी पाकिस्तान जल्द जरूर इनशाला आलम में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है और ये तभी मुमकिन है आपने कल के पाकिस्तान को ताबनाक बनाना है और उसके लिए आज की कूमत वक्त का ये फ़र्ज़ मंद भी है कि वो उस तापनाक कल के लिए पूरी तैयारी करें और नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें और अभी जिस तरह बताया कि ये जो ओपन स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है चेयरमैन मुख्तार साहब ने पिछले तीन साल से पाकिस्तान सर फहरिस्त रहा है तो मुझे बताइए कि कोई शक है किसी को कोई डाउट है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर उनको मौाक़ मुहैया किए जाएं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से न सिर्फ माजी के जो नुकसान हैं उनका खात्मा हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ माशी लिहाज से दिफाई लिहाज से कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा मगर शर्त अवल ये है कि अकाबरीन को एक इज्तमाहीवत के साथ यकसुई के साथ इतफाक और इतिहाद के साथ आगे बढ़ना होगा मैं सिर्फ चंद मिसालें देना चाहता हूं कि इन इस सफ़र में सतर साल के सफ़र में यकीनन अजीम कामयाबियां भी हैं और नाकामियां भी हैं और अगर हम सिद के दिल के साथ इसका तजिया नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते मैं उन अजीम कामयाबियों का पहले जिक्र करना चाहूंगा के अगर आज पाकिस्तान को सियासी लिहाज से आज पाकिस्तान को माशरती लिहाज से अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने जोड़ा हुआ है तो वो उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन है जो कि पाकिस्तान के उन अजीम सियासदानों ने उस ज़माने में मिलकर उन्होंने ये फ्रेम किया आइन जो है वो आज कौमी वहादत का एक निशान है हमारे सौ इख्तलाफ होंगे लेकिन सेवन थ्री कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी को कोई कतन कोई इख्तलाफ नहीं इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना तमाम तर मुश्किल के बावजूद दुनिया में बेपना पाबंदियां लगाने की कोशिश की लेकिन जब फैसला कौम कर ले जब फैसला अटल हो तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है और आज पाकिस्तान एक एटमी कुत है और इस्लामी ममालिक में पहला और वाद एक इस्लामी मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने ये अजीम ताकत अदा फरमाई है क्या मत तक दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ कि जो दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर जिसके खात्मे के लिए सत्तर हजार पाकिस्तानियों ने अपनी जान नछावर की और उसके लिए जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले फर्द ने अपना हिस्सा डाला चाहे वो एक माँ है चाहे वो एक जवान है बेटा है उस्ताद है डॉक्टर है इंजीनियर है अफाज पाकिस्तान के अफसर हैं जवान हैं उनकी औलादे हैं पुलिस है और इसी तरीके से पूरे चारों सूबों के अंदर लोगों ने कुर्बानियाँ दी सत्तर हजार तब जाकर ये नासूर को हमेशा के लिए दफन किया गया बदकिस्मती से यह है वो हमारी नाकामी के एक इलामत बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बना पर दोबारा दहशत गर्दी ऊट कर आई है बगैर इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था और इसके नतीजे में जहाँ पर सत्तर हजार अजीम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी वहाँ पर पाकिस्तान की मीशत को डेढ़ सौ अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा जिन्होंने हमें इस काम के ऊपर कहा कि जनाब आप फ़ना ताकत का मुकाबला करें उन्होंने सिर्फ बीस अरब डॉलर हमें दिए हमारी मैषत को डेढ़ सौ अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा तो ये है वो सूरत हाल जिसका फिर दुनिया को इसका फायदा पहुंचा पाकिस्तान में तो दहशत गर्दी खत्म हुई लेकिन दुनिया को इसका फायदा पहुंचा कि वहां पर भी दहशत गर्दी जो हमारे हमसाया मुल्क से होती थी उसका खात्मा हुआ उसके लिए अजीम कुर्बानियां दी गई और मैं समझता हूं कि इसमें उन तमाम दिफाही इधारों का भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको कौम हमेशा याद रखेगी चाहे वो हमारी बड़ी फौज है चाहे हमारी एयर फोर्स है चाहे हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं। एक जमाना था कि जरात तरक्की की सिमत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान को कहा जाता था और आज भी ये बात दुरुस्त है कि वी आर ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ स्टेट्स लेकिन इस ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करने के लिए बेशुमार मौके थे मगर अनफॉर्चुनेटली इसको हमने पूरी तरह इससे फायदा हासिल न किया और मैं अगर इस बात को नामुकम्मल छोड़ूंगा तो अपने आप से भी ज्यादती करूंगा और आपसे भी कि जहां पर ये अजीम कामयाबियां हमें मिली अल्लाह करम से और इज्तमाहीविशों से वहां पर आज पीआईए जो एक जमाने में उसके बारे में जो लोगों था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ और आज हमें पीआईए को आज प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है PIA जिन काबिल मैनेजमेंट के जिम्मे थी उन्होंने हमारे बाज ब्रादर मालिक में उनकी एयरलाइंस कायम करके दी इसी तरीके से पाकिस्तान का पांच साल तरक्याती मनसूबा उसकी बाकायदा कॉपी की गई और जुनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को फॉलो किया और आज बदकिस्मती से हमारी तरक्की और जुनूबी कोरिया की तरक्की का जब आप मुजना करते हैं तो फिर हमें इसके ऊपर एक लम्हे की तखिर के बगैर हमें इस बात का फैसला करना है कि क्या बिजनेस एज यूजल चलेगा हम आगे बढ़ेंगे मेरा ईमान है अल्लाह ताला की फर्क करम से कि ये जो नौजवान नस्ल इस हॉल में मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में आपने इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की तबदीर बदलनी है और उसके लिए मैं आपको आज यहाँ पर बिला खौफ तदीद कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बिजली का जो चैलेंज है हमारे जो महसूल का जो चैलेंज है जो हमारी एक्सपोर्ट्स के जो चैलेंज है उसके हवाले से जो रकूम जो पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट फंड में मौजूद हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमने मीशत को हमने दुरुस्त करना और ठीक करना है वहाँ पर अगर हमें नौजवान नस्ल की तमीर और उनकी तरक्की के लिए तमाम वसाइल तरक्याती फंड से निकाल कर आपके कदमों में मैं निछावर करूँ तो वो कम नहीं बड़े अदब और इनकसारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात सिर्फ ये कोई जज्बाती बात नहीं है आप याद करें मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जब वो वजीर आजम थे और मैं पंजाब में खादम था तो लाखों लैपटॉप मेरिट पर अरबों रुपए के सरमाए से नौजवान नस्ल को तकसीम किए गए अपने बच्चों और बच्चियों को मेरिट के ऊपर सिर्फ मेरिट के ऊपर पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जिससे को तकरीबन उस जमाने में मुझे याद है बाईस अरब रुपए के वजायफ हजारों लाखों पूरे मुल्क सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हमने बाकी सूबों को भी इसमें शामिल कर रखा था उन बाईस अरब रुपए के वजायफ लाखों बच्चों और बच्चियों को मेरिट पर दिए गए जिससे कि वो अलहमदुल्ला आज बड़े बड़े मैदानों में मुकाबला कर रहे हैं और बड़े डॉक्टर्स बने इंजीनियर्स बने और बेशुमार इसी तरीके से और ये पंजाब एजुकेशन एंडाट फंड आज पाकिस्तान एंडाउमेंट फंड बन चुका है और इसी तरीके से पंजाब एंडाउमेंट फंड एक और था पेफ वो भी आज पाकिस्तान एंडाउमेंट फंड बन चुका है और इसी तरीके से दूसरे कई शोबों में तालीम के हवाले से और हुनर बच्चों और बच्चियों में उनको देने के लिए हमने स्कीम चलाई और इन शाह मेरा ईमान है कि आपको जो भी होगा नौजवान नस्ल की हम तामीर करेंगे उनको अजीम बनाएंगे इनशाला एक और मैं आपको मैं ये बात करना चाहता हूँ कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एस एम ईस इसमें आपने आना है और अभी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से तीन दिन पहले मीटिंग की है वजीर खजाना को भी दरखास्त की गवर्नर स्टेट बैंक को भी दरखास्त की कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चाहे वो देहातों में जरात पर मबनी हो चाहे वो शहरों में वो आपको जो लोन्स जो देते हैं बड़े बड़े सरमायाकारों को और बैंक्स रिस्क नहीं लेते मैंने उनको पाबंद किया है कि आपने कम अज कम जितने भी आप कर्जे देंगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको आपने चलाना है कम अज कम फोर्टी परसेंट लोन्स एम इज़ को मिलेंगे इन शाह ताकि आप कारोबार कर सकें लोगों को आप रोज़गार दे सकें एक ज़माने में जिसे हम आ, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बदकस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना और फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो आपके सामने है लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बर हिंद में गर्क हो गया आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टेचूस थे उनके साथ क्या हुआ मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता अंग्रेज़ी में एक मकूला है वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड मैं समझता हूँ कि इससे हमें यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए क्या आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं और हमें ये बात आज तय करनी चाहिए कि हम मुश्किलात का सामना करेंगे उनको हल करेंगे और मैं अभी मैंने कल भी कहा अपनी काबीना की एक आ, हमारी मीटिंग थी कि बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमने बजट के दौरान 50 अरब रुपए जो हमारी तरक्याती फंड्स हैं उससे निकाल कर हमने छियासी फीसद जो घरेलू सार्फिन हैं जो 200 यूनिट्स यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमें 50 अरब रुपए हमने उनको सब्सिडी दी ताकि गर्मियों में उनके लिए थोड़ा सा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए तीन महीने के लिए अभी चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत ने अपने सुबाई वसाइल से उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं सुबाई वसाइल से पैंतालीस अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और दो महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 सौ यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें कि आज कौम को यकजहती की जरूरत है आज कौम को तकसीम की जरूरत नहीं तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया आज हमें यकजहती इतफाक़ के तहत उसकी जरूरत है और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि आइंदा आने वाले मुस्तबिल को तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है हमें सिद्ध के दिल के साथ नेक नीति के साथ मिलकर अगर हम पाकिस्तान की हालत तब्दील करने का फैसला कर लें तो यकीन करें कि फिर वो वक्त बहुत करीब आ सकता है जिससे कि पाकिस्तान अकवाम आलम में इज्जत और वकार के साथ सर उठाकर चल सकता है मैं खितान ये शेर अर्ज़ करने से पहले ये कहूँगा और ये बात मैं अपनी ज़िंदगी का नचोड़ आपको बता रहा हूँ मुझे चालीस साल इस सियासत के खारदार मैदान में गुजर गए हैं मैं दुनिया का एक खदाकार तरीन इंसान हूँ लेकिन अब अवामी ख़दमत में छोटी बोटी खदमत की है उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए आज का जो पाकिस्तान है आज के हमारे जो मारूजी हालात हैं उसका ये तकाज़ा है कि सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आइनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज़ खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख़ हमेशा हमें याद रखेगी वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे इसलिए मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खाद हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपासीलार मौजूद हैं यकीन करें कि यक या दो गालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं बिल्कुल कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना भी गहरा हो कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना ही गहरा हो शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता सवेरा हो के रहता है